हरि बोल हरे कृष्ण जय श्री गुरु रामचंद्रधारी श्री राधा बिहारी जय परम पूज्य पाठ श्रीमद भक्ति वेदांत चंद्र गोस्वामी महाराज की जय जय नित्रिला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पन्न कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सत्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदार्थ सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश ओम ज्ञान निबिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव विनामिने अतिमर्त्य चरित्राय स्वाशितानंच पालिने जीव दुखे सदा तारे श्री नाम प्रेम दायिने नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवांश भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी शिवमूर्तये सिद्धांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः वाचाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाये तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और पीला ना पीला
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। Oh,
मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु भक्ति वखानी। मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु की पियानी, मंगल में नख से सिखलो गुरु मूर्ति दे पुराण गनी। श्री गुरु चरण प्रताप ते पायो बिपिन को बास, बारियो राधे बिपुल गुने रस कन्हैये प्रकाश, लख चौरासी को सुने चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदग्राम। जय जय श्री राधे, लख चौरासी को सुने तो
तो कोई चार काम निज धाम सखीरी चार काम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई बरसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है चार काम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई परसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है यही ब्रज का अक्षर गोविंद सो तो कोई राधे सोई और सखीरी राधे सोयो तो मिल जाऊ एक भाई तो कोई नाम करो बोला यही ब्रज धाम है को प्राण है यही ब्रज धाम है को प्राण है नख चोराती को में तो कोई चार काम निज धाम सखीरी चार काम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई परसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है महारानी सी राधिका तो कोई अष्ट सखिन के झुंड सखीरी अष्ट सखिन के झुंड सगर वो भारत सागरो तो कोई जय जय राधा कुंड यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को नख चोराती को में तो कोई चार काम निज धाम सखीरी चार राम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई परसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है राधे सी राधे रटो तो कोई निसदन आठो याम सखीरी निसदन आठो याम जाओ राधे बसे तो कोई हमारो धाम यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण लख चोराती को में तो कोई चार काम निज धाम सखीरी चार काम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई परसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है कलयुग में कीर्तन हरि तो ये यही कृष्ण को रास सखीरी यही कृष्ण को रास कृष्ण को रास रूप में तो कोई इनके देव है खास यही ब्रज धाम है कृष्ण को प्राण है यही ब्रज लख चोराती को चार काम निज धाम सखीरी चार काम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई परसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है श्रेष्ठ को प्राण है श्री वृंदावन पास कर तो कोई साग पात नित खास सखीरी साग पात नित खास जिनके भावन को
तो कोई ब्रह्मादि तुलत चार यही प्रतिराम है खीरी चार राम ने जे धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई परसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है प्रेम को प्राण है लख चौरासी को कोई चार राम ने जे धाम हरिहर चार राम ने जे धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई बरसानो नंद गाम यही ब्रज धाम है कृष्ण को प्राण है वृंदावन पान कुवनो तो कोई भ्रमर करत गुंजार सखीरी भ्रमर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका तो कोई दुलानंद कुमार यही ब्रज धाम है कृष्ण को प्राण है यही ब्रज धाम है कुमार यही ब्रज धाम है कृष्ण को प्राण है यही ब्रज धाम है कृष्ण को प्राण है यही ब्रज धाम है कृष्ण को प्राण है यही ब्रज धाम है नमो नमो दसवानुजा नमो नमो सुखराज नमो नमो अश्विन शरण मामे उरी करो निवास जय जय शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में राधा जू के मंदिर में लाली जू के मंदिर में राधा जू के मंदिर में लाली जू के मंदिर में शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में शंख नगारे बाजे रे
ऊंचे पर्वत आप बिराजे, अद्भुत रूप अनुपम साजे, अद्भुत रूप अनुपम ऊंचे पर्वत आप बिराजे, अद्भुत रूप अनुपम साजे, रसिक मगन मन नाचे रे राधा जू के मंदिर में, रसिक मगन मन नाचे रे राधा जू के मंदिर में, संत नगाड़े बाजे रे राधा जू के मंदिर में, संत नगाड़े बाजे रे राधा जू के मंदिर में, राधा जू के मंदिर में डाली जू के मंदिर में, राधा जू के मंदिर में डाली जू के मंदिर में, शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, शंख नगारे बाजे रे राधा जू की महिमा भारी, दर्शन कुआ में नर नारी, श्यामा जू की महिमा भारी, दर्शन कुआ में नर नारी, निस्दिन मिलो लागे रे राधा जू के मंदिर में, निस्दिन मिलो लागे रे राधा जू के मंदिर में, संग नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, संग नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, राधा जू के मंदिर में डाली जू के मंदिर में, राधा जू के मंदिर में डाली जू के मंदिर में, शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, शंख नगारे बाजे अष्ट सखी मिल लाल लड़ा में, माखन मिश्री को भोग लगा में, अष्ट सखी मिल लाल लड़ा में, माखन मिश्री को भोग लगा में, आनंद आवे रे राधा जू के मंदिर में, उर में आनंद आवे रे राधा जू के मंदिर में, संत नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, संत नगारे राम जू के मंदिर में डाली जू के मंदिर में, राधा जू के मंदिर में डाली जू के मंदिर में, शंख नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में, नगारे बाजे रे राधा जू के मंदिर में,
साधायु की छवि निराली जे ब्रज गोपी भई मतवारी राधा के चरणार
हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare Hare
हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उसके बाद अपने परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उसके बाद उपस्थित समस्त वैष्णवों के को बार 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 दंडवत करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि कुछ मैं भक्ति पे बोलूं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की डेफिनेशन है। वैसे तो नारद भक्ति सूत्र के ठीक है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की डेफिनेशन बताई है नारद जी ने। भक्ति किसे कहते हैं? वैसे तो जो 84 के 84 सूत्र हैं, वो सारे के सारे ही भक्ति के ही हैं। लेकिन जो मेन डेफिनेशन है, उनसे नारद जी ने पूछा पहले कि भाई भक्ति किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर कोई तत्क्षणातर विस्मृति ही भगवान नैश्चय भक्ति दिदाह। जो 24 घंटे के अंदर एक क्षण भी भगवान की विस्मृति कर दे, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। तेल धारावत अपिछिन्न स्मरणेन सह स्मरणेन इति भक्ति ही। भगवान की 24 के 24 पूरे के पूरे दिवस में 24 घंटे जो श्री भगवान का चिंतन करता है, उसको कहते हैं भक्ति। हमारे ब्रज में एक संत है, वो भी कहते हैं, उनसे पूछा गया बाबा भक्ति का होने के, तो वो भी ऐसे ही बोले कि लाला 24 घंटे में जो एक मिनट के लिए भी श्री भगवान को बिसराए दे, उसको भक्ति नाइन कहे, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। उसको जो केवल और केवल जितने शरीर में जितने समय तक चेष्टा रहे, उतना श्री भगवान को स्मरण करता रहे, उसी को ही भक्ति कहते हैं। श्री अवध में अयोध्या जी में आपने सुन रखा होगा, एक मंदिर है श्री कनक बिहारी जी का मंदिर, सुन रखा है ना? श्री राम जी का मंदिर है श्री कनक बिहारी मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। वहां पे अभी लगभग महाराज जी 1.5 महीने पहले, आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, 1.5 महीने पहले की घटना है। वहां पे क्या हुआ, एक संत है, ज्यादा उम्र नहीं है, मेरी ही जितने ही उम्र होगी उनकी, इतना प्रेम उनका श्री ठाकुर जी के प्रति, इतना प्रेम उनका श्री ठाकुर जी के प्रति। कनक बिहारी सरकार जो है, वहां जो कनक बिहारी हैं, उन्होंने ऐसे हाथ कर रखे हैं, एक हाथ में उनके धनुष, हाथ में नहीं है वो, साइड में रखा हुआ है धनुष, और एक हाथ में छोटी सी तीर है, और बिल्कुल ऐसे शांत मुख से बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी दांत नहीं दिख रहे, सिर्फ होंठ जो है वो थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं। तो 1.5 महीने पहले की बात है, क्या हुआ, मेरा वो संत गए, और वो इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, इतना प्रेम करते हैं, बहुत जाकर के फोटो खींचने के लिए कैमरा ले गए, और वहां पे जाकर के ठाकुर जी के सामने कहा, ठाकुर जी स्माइल प्लीज। और जैसे ही ऐसा कहा, तुरंत श्री भगवान ने स्माइल किया, मुस्कुराया, और दांत की पंक्ति तुरंत दिख गई, उन्होंने तुरंत फोटो क्लिक करी। और जब हम श्री राम अयोध्या जी में थे, तो जाकर वहां पे दिखाया कि देखो ये घटना हमारे साथ हुई, प्रत्यक्ष 1.5 महीने पहले की घटना है। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, ये प्रत्यक्ष वहां की घटना है। वो फोटो मैंने देखी है, ठाकुर जी की बहुत सुंदर दंत पंक्ति वहां पर प्रस्तुत हो रही है, और कनक बिहारी जी में जाकर के देखो, वहां पे दंत पंक्ति प्रस्तुत नहीं है, सिर्फ भगवान के होठ हैं जो कि बस थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सच्ची घटना है, इसको कहते हैं तेल धारावत अविच्छिन्न स्मरण, भगवान का निरंतर स्मरण। क्या हुआ, एक बार उधर की ही मैं घटना बता देता हूँ, भक्ति किसे कहते हैं। देखो भक्ति के अंदर अपने अपने संबंध होते हैं, ठाकुर जी से कोई भी संबंध, कैसे भी संबंध बनाओ, संबंधेन त्वात् आत्मजैव भक्तिर विस्मृति ही नैव शाह। भगवान की विस्मृति ना हो इसलिए संबंध बनाना आवश्यक है, ये भी नारद भक्ति सूत्र की टीका में लिखा हुआ है। कोई भगवान को अपना बच्चा समझता है कि भगवान मेरे शिशु हैं, कोई भगवान को अपना मित्र समझता है,
कोई भगवान को अपना बड़ा भाई समझता है। मथुरा में एक संत है, वो कहते हैं भगवान श्री भगवान मेरे छोटे भैया हैं, मैं भगवान का बड़ा भैया हूँ। तो कनक बिहारी जी में एक संत हुए, वो जो आज भी बहुत विद्वान संत थे, वो आज भी उनका घर वहां है, अब अयोध्या जी में आज भी उनका घर है। तो उनका तो वो संत क्या थे, उन्होंने श्री राम जी से संबंध बना रखा था कि ये हमारे शिष्य हैं, रघुवीर जी हमारे शिष्य हैं और सीता जी हमारी बहु रानी हैं, ये संबंध बना रखा था उन्होंने। तो जैसे आते ना कनक बिहारी जी के दर्शन करने, तो पहले माला पहन लेते और माला पहनी हुई माला को निकाल करके वो ठाकुर जी को धारण कराते हैं कि लो ये हमारे शिष्य को धारण कराओ। वहां के जो पुजारी हैं कनक बिहारी जी के, वो उनके भावों को समझते और लेकर के माला उनके गले में आपूलित कर देते। सच्ची घटना है। तो लेकिन क्या होगा, वहां पे जानकी जी भी साथ हैं। पहले वहां पे जो जानकी जी थी साइड में वो बैठी हुई थी, विराजमान थी, लेकिन ऐसी घटना हुई कि वे खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, वो उसको सीता जी को अपनी बहुरानी मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो जब वो दर्शन करने के लिए आते कनक बिहारी जी, तो पर्दा सीता जी के सामने लगा दिया जाता है कि बहू नहीं देखती ना, बहू अपने से बड़ों को देखती नहीं, दर्शन नहीं करती, इसलिए घूंघट होता है, लेकिन वो पर्दा लगा देते। एक बार क्या हुआ, पुजारी जी वहां पर्दा लगाना भूल गए और एकदम से वो आ गए। आकर के जैसे ही देखा तो सीता जी के दर्शन हो गए उनको। उनका मन बहुत व्याकुल हो गया, हाँ कि हमने मतलब बहुरानी ने दर्शन कर लिए। इतना कहते ही सीता जी सकुचा गई और बैठी हुई जानकी जी खड़ी हो गई। सच्ची घटना, बैठी हुई जानकी जी खड़ी हो गई। आज भी जानकी जी वहां पर खड़ी है, ये देख करके कि मेरे संकोच में इस शर्म में सीता जी खड़ी हो गई, मेरे लिए सीता जी को अपना आसन छोड़ना पड़ा, ऐसा कह करके वो उसके बाद कभी कनक भवन दर्शन के लिए नहीं गए, कभी भी वो उनके दर्शन के लिए नहीं गए। बस बाहर से आते, आने के बाद बाहर से ही माला पकड़ा देते थे। ऐसे है, इसको कहते हैं तेल धारावत अभिचिन्न अविस्मरण। ये कहते हैं भगवान का निरंतर विस्मरण, और संबंध वाचक संबंध यदि होगा तो पक्का विस्मरण नहीं होगा। हम बच्चों का क्या, हमारे हमारे बच्चों से हमारा संबंध है, हमारा संबंध है, तभी तो हम उसको भूलते नहीं है, हमेशा ध्यान रहती है उसने खाया होगा कि नहीं, वो आए होंगे कि नहीं, वो ऑफिस से आए होंगे कि, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, बिना संबंध के भक्ति नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं संबंधात्मक भक्ति, ये भी नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न है, कई लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि क्यों करी, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने लीला क्यों करी। तो एक संत, एक महापुरुष हुए हैं जिनके 100 भक्ति सूत्र हुए हैं, नारद जी भी हुए हैं, एक और संत हुए हैं जिनके 100 भक्ति सूत्र, उनमें से एक भक्ति सूत्र वो इन्हीं का ही जवाब देते हैं कि भगवान केवल और केवल कल्याण करने के लिए ही लीला करते हैं। तत्कल्याणात् तत्क्षणात्, भगवान कल्याण करने के लिए ही लीला, भगवान को खुद कुछ नहीं चाहिए, केवल भवसागर से जीव को उतारने के लिए लीला करते हैं भगवान। जो भी लीला करते हैं केवल हमें आनंद करने की, आनंद देने के लिए भगवान लीला करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं भक्ति अविस्मरणीन भक्ति, ये नारद भक्ति सूत्र का है। इसलिए बस इतना ही समय था, इसलिए वांछा कल्प तरुवश्च कृपा सिंधु। ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्य पाठ श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरुवर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है कुछ हरि कथा सुनाने के लिए। ऐसे गुरु जी ने कहा भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, भक्ति क्या है, भक्ति की क्या डेफिनेशन है। इसके लिए जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भक्ति की डेफिनेशन बताई उसमें उन्होंने कहा अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति की बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे सभी पुंसा परो धर्म यथुर भक्ति अधोक्षजे भागवत में डेफिनेशन है, बहुत ग्रंथ में बहुत डेफिनेशन है। लेकिन हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि जिस प्रकार ये जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की डेफिनेशन दी है ये सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन है, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए गौड़ीय परंपरा में आकर के हमें जो ये भक्ति की डेफिनेशन जो गुरुवर गुरु परंपरा से जो रूप गोस्वामी द्वारा रचित हमें प्राप्त हुए, हम बड़े सौभाग्यशाली। उसमें बताया अन्य अभिलाषिता शून्य, साधारण अर्थ तो क्या हो गया, कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। लेकिन बताओ उसमें ताप, उसमें प्रत्यय लगाया पीछे ता, उसका अर्थ क्या हो गया अभिलाषिता, उसका अर्थ ये हो गया कि कभी विपत्ति पड़ने पर हठात अगर मांगना पड़ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसे बताया द्रौपदी मांगा ना तो क्या उससे दोष लेगा, नहीं। इसी प्रकार बताया कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, बोला हमारी जो भक्ति है वो ये जो ज्ञान और कर्म से ढका नहीं होना चाहिए, हाँ भक्तियुक्त ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से भक्ति ढका हुआ नहीं होना चाहिए। बताया ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, और जैसे कृष्ण को अनुकूलता हो उसी का ध्यान रख के जिसमें कृष्ण का सुख है उस वस्तु को ध्यान में रख करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन बताई ये सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन बताई। अब बताया कि भक्ति तो हमें करनी है लेकिन भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है। बताया भज धातु माने सेवा, भगवान की सेवा तीन वस्तु जो है अभिन्न है, हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों की ही सेवा को करने को ही भक्ति कहा जाता है। अब बताया ये भक्ति क्या होती है, तो बोला कि जो ये भागवत के अंदर जैसे बताया ये नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हाँ अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा। बताया ये नौ प्रकार की भक्ति होती है और ये नौ प्रकार की भक्ति करने से कलयुग के अंदर बिल्कुल साधारण रूप में ज्यादा प्रयास नहीं, केवल ये बिल्कुल कोई बहुत कठिन है बिल्कुल कठिन नहीं। श्रवणम केवल मात्र भगवान की कथा श्रवण करना हाँ, कीर्तन भगवान के गुण कीर्तन गाना, भगवान की कथा कीर्तन, ये हो गया कीर्तन। विष्णु स्मरण हाँ, जितना प्रयास हो ज्यादा से ज्यादा भगवान का हमें स्मरण है, लेकिन स्मरण कब आएगा, जब हम तत्त कर्म करेंगे, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जब हम भक्तियुक्त कर्म करेंगे तभी उसी प्रकार का हमें स्मरण होगा। फिर बताया अर्चनम भगवान का अर्चन करना, देखो आपके घर में सुंदर भगवान की व्यवस्था, क्या सुंदर अर्चन की व्यवस्था, अर्चनम वंदनम हाँ दास्यम भगवान को अपना अपना अपने को सेवक और भगवान को प्रभु मान करके, सख्यम भगवान को सखा मान करके, आत्म अपना सब कुछ भगवान को आत्मनिवेदन करके, इस प्रकार की नौ भक्ति जो है जो इनका पालन करेंगे कलयुग के अंदर बिल्कुल साधारण रूप में ही ज्यादा बिना प्रयास के भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। अब बताया क्या कोई प्रमाण है कि हाँ ये श्रवण कीर्तन के द्वारा किसी का उद्धार हुआ हो, कोई प्रमाण है, तो भागवत में प्रमाण है। श्लोक आया श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत हाँ व्यास की कीर्तने, और क्या बताया कि विष्णु का श्रवण करने से किसका उद्धार हुआ, परीक्षित महाराज का,
कीर्तन से किसका हुआ? सुखदेव गोस्वामी जी का हुआ। दूसरी पंक्ति में क्या बताया? प्रहलाद स्मरण, भगवान का स्मरण करके किसका उद्धार हुआ? प्रहलाद का। क्या करते थे निरंतर? श्री हरि, भगवान का हमेशा निरंतर स्मरण करते थे। फिर बताया तदांगरी भजने लक्ष्मी, भगवान की चरण सेवा से किसका? लक्ष्मी जी का। पृथु पूजने, पूजन से किनका हुआ? पृथु महाराज जी का हुआ। और क्या बताया? अक्रूर रस्तु अभिवंदने, अभिवंदन से किसका? अक्रूर महाराज का। कपीर पतेर दास्य, हनुमान जी का कैसे दास्य भक्ति था? आपने सुना है ना, हनुमान जी ने किस प्रकार राम जी की भक्ति करी, सेवक होकर के। वो सारी दुनिया राम जी से चलती, लेकिन राम जी किससे चलते हैं? हनुमान जी के बिना राम जी का कोई काम नहीं होता। जो काम करना है कौन करेंगे? हनुमान जी। आगे से आगे तैयार, आगे से आगे तैयार। ऐसे हनुमान जी की वहां महिमा है। तो बताया दास कपिपतेर दास से अत सख्य अर्जुन, अर्जुन ने सखा रूप में और सर्वत्म आत्मनिवेदने बलिर अभूत, सब कुछ आत्मनिवेदन किसने कर दिया? बलि महाराज ने। तो इस प्रकार ये जो नौ भक्ति हैं, ये करने से हमारी जो साधारण रूप में बिल्कुल आसानी से हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? गुरुपद आश्रय, गुरुपद आश्रय, गुरुकरण करके उसके बाद ये भक्ति के जो सभी जितने जितने ये बताए भक्ति के जो लिम्स ऑफ भक्ति हैं, इनका पालन करने से हमारी भक्ति होगी और सहज रूप में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बताया किससे बताया? ये जो मैंने बात बताई, ये बताई भागवत से। एक तो बताया रूप गोस्वामी जी का कि भक्ति क्या होती है, फिर बताया भक्ति के क्या क्या अंग होते हैं, श्रवण कीर्तन ये बताया, इनसे किनका उद्धार हुआ ये बताया। अब यही जो बात है ना, इसी में क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें भगवान राम ने भी बताई है माता शबरी को। जब भगवान गए थे मतंग मुनि के आश्रम, वहां पर शबरी मिली थी और शबरी ने भगवान से जाते जाते बोला कि प्रभु मुझे नवदा भक्ति का उपदेश करो। तो वहां पे भगवान ने भी ये सारी भक्ति बताई थी, तो वहां पर भी ये सारी बात बताई है। ये लगभग बराबर है, एक जैसा ही है। उसमें भगवान ने बताया कुछ विधि कुछ निषेध, जो राम जी ने कुछ विधि बताई है कुछ निषेध बताया। उसके अंदर बताया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। वो पूरी जो भक्ति बताया उसके अंदर सब मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वास, ये पंच पांचवी भक्ति है। देखो वो बताया ना कीर्तन, ये जाप, ये सत्रेता से सब हर समय है। किस समय क्या ज्यादा होता है, किसी समय किसी का महत्व ज्यादा होता है, लेकिन कलयुग में किसका महत्व ज्यादा है? भगवान के कीर्तन का। कृते ध्यायते विष्णु, बताया सत्यों के अंदर भगवान का ध्यान हुआ करता था। फिर त्रेता के अंदर बताया यज्ञ आदि और द्वापर के अंदर अर्चन आदि, लेकिन कलयुग के अंदर क्या है? भगवान का संकीर्तन। इसलिए जो भी प्रभु जी ने इतना सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाए, केवल यही करने मात्र से कलयुग के अंदर जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि बड़ा मंद सुमंद मति हो, बहुत मंद सुमंद मति, हम क्या भगवान का कुछ कुछ स्मरण करना, सब ध्यान करना, बहुत मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भी यही बात बोली, भगवान कह रहे मन मुझको दो, मन मन सब देखो, सब जगह यही है, मन चल वृंदावन धाम, ए मन की कर वरण कोल, ए मन सची नंदन बिना नहीं यार। सब कीर्तनों में क्या है? मन मन मन, हजार मन। अर्जुन कह रहे ये मन देना इतना आसान थोड़ी ना भगवान। अर्जुन कह रहे हैं चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्धनम तस्याह ग्रम निग्रह मन्ने वायु रेव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जो धनुर्विद्या ऐसी है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, बांध सकता हूँ, लेकिन इस मन के वेग को रोकना बड़ा कठिन है। और जहां मन है वही हमें, मन अभी अगर चला गया पास की किसी हलवाई की रसगुल्ले की दुकान में, गुलाब जामुन खाने का मन कर गया, तो धीरे धीरे शरीर वही पहुंच जाएगा, वो बुद्धि को भी मत देगा। अब बुद्धि चलने लग जाएगी, कार खड़ी है इतना दूर है, दो मिनट में जाकर के, अभी कथा और प्रसाद के बीच में टाइम है, जाकर के दो मिनट में खा करके आ जाऊंगा। सोचा किसने? मन ने। और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन उसको भी वो मत देगा। इंद्रियों को तो खैर मत ही देता है, लेकिन बुद्धि को भी वो मत देता है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन कह रहे कि इसको मैं कैसे निग्रह कर सकता हूँ, कैसे इसको मैं जीत सकता हूँ? तो भगवान ने वहां पे अगला बताया असंशयो महाभाव। भगवान कह रहे हैं अभ्यास है ना, तू कौन थे यार? अभ्यास से और वैराग्य से। बोल अभ्यास क्या और वैराग्य क्या? तो बताया जो भक्ति के अनुकूल जो वस्तु है उसका अभ्यास, और भक्ति के प्रति उसका उससे वैराग्य। जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, देखो हमारे आचार्यों की महिमा, भक्ति विनोद ठाकुर का तो नाम आप सबने सुना है ना, कीर्तन हम पढ़ते हैं, देखो क्या महिमा। ये जो गीता का श्लोक है ना, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, जो कृष्ण ने जो उत्तर दिया वही भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में बताया। भक्ति अनुकूल मात्र
कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रज नांगिकार। देखो कृष्ण जो कह रहे हैं ना वही बात कितने सुंदर एक हीरे के मोती की तरह जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने इन कीर्तनों में पिरो रखा है। इसलिए सुबह उठ करके इन गुरु वर्गों के कीर्तन करना उनका स्मरण करना और जैसा मार्ग उन्होंने बताया है उन मार्ग पे चलना यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। बस यही कह करके हमने वाणी को मैं विराम देता हूँ। वांछा सत्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। की छोड़ दिया एक मकसद के लिए लगा दो मकसद कहाँ पाएगी।